देखिए, ये जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लगातार शिकायतें मिल रही थी, लगातार भर्तियों में गड़बड़ियों की बात आ रही थी, उन गड़बड़ियों को लेकर हमने एसटीएफ को इसकी जांच सौंपी है। और दरोगा भर्ती को लेकर, क्योंकि पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हमने वो विजिलेंस को जांच दी है। जहां विजिलेंस ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है, एसटीएफ ने अभी तक 25 लोगों को सलाखों के अंदर कर दिया है, उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कितनी पहुँच वाला क्यों ना हो, जहाँ भी होगा उसको हमारी एसटीएफ, हमारी पुलिस उसको खोजेगी, और जो अपराधी है, अपराधी को उसका दंड मिलेगा। इसके साथ साथ यह भी है कि चूंकि ये हमारे बेटों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे नौनिहालों से जुड़ा हुआ विषय है, हम इसके लिए फुल प्रूफ योजना बना रहे हैं कि भविष्य में कभी भी कोई भी इस प्रकार की अपराधिक घटना की पुनरावृत्ति करने की न सोचे। इसके साथ साथ जो बच्चे अपनी मेहनत से पास हुए हैं, उनको भी जो है हम लोग कहीं निराश नहीं होने देंगे। कोशिश करेंगे कि उन बच्चों का, जिन्होंने अपनी ईमानदारी से, मेहनत से जिनका परिणाम आया है, वो बच्चे उसमें हों। इधर विधानसभा के स्तर पर भी जो है गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है कि लोगों ने कहा है कि गड़बड़ी हुई है तमाम तरह से। हमने कहा है कि जिस संस्था में भी गड़बड़ी हुई है, क्योंकि विधानसभा एक हमारी संवैधानिक संस्था है, मैं माननीय अध्यक्षा जी से भी अनुरोध करूँगा कि वह भी जो है, चाहे किसी की भी कालखंड में, चाहे इस कालखंड में हुई हो, उस कालखंड में हुई, जो भी भर्तियों की गड़बड़ियां हुई है, उसकी वो जांच बैठाएं और सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी। जहां भी जरूरत है, मैंने कहा है कि जहां भी गड़बड़ियां हुई हैं, ये कोई एक संस्था की बात नहीं है, जिस संस्था में भी गड़बड़ी हुई है, हम उस संस्था में जांच के पक्षधर हैं। जांच हो और जांच में सरकार पूरी तरह से, चूंकि विधानसभा का कहा था कि, क्योंकि सभी युवाओं के बीच में से ये बात आई थी कि गड़बड़ियां हो रही हैं, और जब जांच की गई तो गड़बड़ियां पाई गई हैं। लेकिन इसमें कुछ युवा हमारे ऐसे भी हैं, बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने अपनी परीक्षाओं को अपने मेहनत से पास किया है, तो हम उनके बारे में निश्चित रूप से विचार करेंगे कि कैसे उनका रास्ता निकल सकता है, उनको हम निराश नहीं होने देंगे। मैंने कहा है कि उसकी जांच हो रही है, और क्योंकि मैं इसको राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा है कि जिस कालखंड में भी, आपने देखा होगा, हमने कभी ये नहीं कहा कि इसके कालखंड में 15-16 में दरोगा भर्ती हुई, कि पटवारी घोटाला हुआ या कोई और घोटाला हुआ। हमने कहा है जो भी घोटाला हुआ है, जो भी भर्तियों में गड़बड़ियाँ आई है, किसी भी संस्था में गड़बड़ी आई है, उसकी जाँच होगी, जाँच होनी चाहिए। जहाँ सरकार जाँच कर सकती है, वहाँ सरकार जाँच कर रही है, जहाँ सरकार को सहयोग करना है, वहाँ सरकार सहयोग कर रही है। देखिए, ये जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लगातार शिकायतें मिल रही थी, लगातार भर्तियों में गड़बड़ियों की बात आ रही थी, उन गड़बड़ियों को लेकर हमने एसटीएफ को इसकी जांच सौंपी है। और दरोगा भर्ती को लेकर, क्योंकि पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हमने वो विजिलेंस को जांच दी है। जहां विजिलेंस ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है, एसटीएफ ने अभी तक 25 लोगों को सलाखों के अंदर कर दिया है, उनकी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कितनी पहुँच वाला क्यों ना हो, जहाँ भी होगा उसको हमारी एसटीएफ, हमारी पुलिस उसको खोजेगी। और जो अपराधी है, अपराधी को उसका दंड मिलेगा। इसके साथ साथ यह भी है कि चूंकि ये हमारे बेटों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे नौनिहालों से जुड़ा हुआ विषय है, हम इसके लिए फुल प्रूफ योजना बना रहे हैं कि भविष्य में कभी भी कोई भी इस प्रकार की अपराधिक घटना की पुनरावृत्ति करने की न सोचे। इसके साथ साथ जो बच्चे अपनी मेहनत से पास हुए हैं, उनको भी जो है हम लोग कहीं निराश नहीं होने देंगे। कोशिश करेंगे कि उन बच्चों का, जिन्होंने अपनी ईमानदारी से, मेहनत से जिनका परिणाम आया है, वो बच्चे उसमें हों। इधर विधानसभा के स्तर पर भी जो है गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है कि लोगों ने कहा है कि गड़बड़ी हुई है तमाम तरह से। हमने कहा है कि जिस संस्था में भी गड़बड़ी हुई है, क्योंकि विधानसभा एक हमारी संवैधानिक संस्था है, मैं माननीय अध्यक्षा जी से भी अनुरोध करूँगा कि वह भी जो है, चाहे किसी की भी कालखंड में, चाहे इस कालखंड में हुई हो, उस कालखंड में हुई, जो भी भर्तियों की गड़बड़ियां हुई है, उसकी वो जांच बैठाएं और सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी। जहां भी जरूरत है, मैंने कहा है कि जहां भी गड़बड़ियां हुई हैं, ये कोई एक संस्था की बात नहीं है, जिस संस्था में भी गड़बड़ी हुई है, हम उस संस्था में जांच के पक्षधर हैं। जांच हो और जांच में सरकार पूरी तरह से, क्योंकि विधानसभा का कहा था कि, क्योंकि सभी युवाओं के बीच में से ये बात आई थी कि गड़बड़ियां हो रही हैं, और जब जांच की गई तो गड़बड़ियां पाई गई हैं। लेकिन इसमें कुछ युवा हमारे ऐसे भी हैं, बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने अपनी परीक्षाओं को अपने मेहनत से पास किया है, तो हम उनके बारे में निश्चित रूप से विचार करेंगे कि कैसे उनका रास्ता निकल सकता है, उनको हम निराश नहीं होने देंगे। मैंने कहा है कि इसकी जांच हो रही है, और क्योंकि मैं इसको राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहता हूँ,
इसलिए मैंने कहा है कि जिस कालखंड में भी आपने देखा होगा, हमने कभी ये नहीं कहा कि इसके कालखंड में 15-16 में दरोगा भर्ती हुई कि पटवारी घोटाला हुआ या कोई और घोटाला हुआ। हमने कहा है जो भी घोटाला हुआ है, जो भी भर्तियों में गड़बड़ी आई है, किसी भी संस्था में गड़बड़ी आई है, उसकी जाँच होगी। जाँच होनी चाहिए। जहाँ सरकार जाँच कर सकती है वहाँ सरकार जाँच कर रही है। जहाँ सरकार को सहयोग करना है वहाँ सरकार सहयोग कर रही है।